नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आप रेसिपी, हैंड एम्ब्रॉयडरी और ढेरों सारे क्राफ्ट आइटम सीखेंगे। हमारे चैनल का ये पहला वीडियो है, तो चलिए हम सबसे पहले रेसिपी से शुरू करते हैं। और आज हम बनाएंगे नारियल के इंस्टेंट लड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। आइए देखते हैं इंस्टेंट लड्डू बनाने की विधि क्या है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी इस लड्डू को ज़रूर बनाएं और इसे बनाकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये लड्डू कैसी बनी है और आपको कैसा लगा है। इसके लिए हम लेंगे नारियल पाउडर 250 ग्राम। अगर हम कप से मेजरमेंट करें तो ये 4 कप होगा। खोया लेंगे 250 ग्राम, 2 कप। चीनी लेंगे 125 ग्राम, करीब 1 कप। पानी लेंगे 250 ml, करीब 1.5 कप। ये वेनिला एसेंस है, इसका यूज हम फ्लेवर के लिए करेंगे। इसकी जगह पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमारा ऑरेंज रेड फूड कलर है, इसे हम कलर के लिए यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है। ये पेस्ट्री कप है, इसे हम सजाने के लिए यूज करेंगे। खोया को हमने घर पर बनाया है, आप इसे बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो इसकी विधि आप वीडियो के अंत में देख लें। ये जो हमारा 4 कप नारियल पाउडर था, इसमें से हम 1/2 कप निकाल लेंगे। इसे हम लड्डू को कोटिंग करने के काम में लेंगे। चलिए अब हम पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे चीनी। इसके साथ ही हम डालेंगे एक पानी। यहाँ पर हमारा चीनी गल चुका है, अब हम इस स्टेज में थोड़ा फूड कलर मिलाएंगे। एक छोटा सा कटोरी में पानी लेकर हम उसमें 1 चुटकी कलर डालेंगे। ये थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और हम डालेंगे इसमें। इसे ये घुल गया है, अब हम इसमें देखते हुए कि हमें कितना कलर चाहिए उस हिसाब से हम इसमें कलर मिलाएंगे। हमारा सारा कलर लग जाएगा। इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, करीब 2 मिनट। हमारा यह कलर पक रहा है, इसे हम चलाएंगे बीच बीच में। इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे थे, ये हमारा पक चुका है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। एसेंस डालने के बाद 2 मिनट और पका कर हम इसे गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें नारियल और खोआ धीरे धीरे डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें नारियल पाउडर और खोआ दोनों को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से इसे मैश करते हुए मिलाएंगे। ये हमारा परफेक्ट लड्डू बन रहा है। कलर तो इसका बहुत ही सुंदर आया है। लड्डू को हम गरम गरम ही बनाएंगे। हमारा ये देखिए, कहीं कहीं पर हमारा मावा नहीं मिला है, उसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा
हमारा मावा बन गया है। फिर हम एक किनारे में, चलिए अब हम इसे गोल गोल करके लड्डू बनाते हैं। इसे अब हम कोट करेंगे इस तरह से, ये देखिए दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी तरह हमने सारे लड्डू को बना लेने हैं। हमने सारे लड्डुओं को इस तरह से लपेट लिए हैं। चलिए अब इसे सजाते हैं। हमारे सारे लड्डू कोट हो चुके हैं, अब हम इन लड्डुओं को एक एक कर पेस्ट्री कप में रखकर इस तरह से सजाएंगे। इस लड्डू को आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, ये बहुत ही कम समय में फटाफट बन जाता है। बाजार से मिठाई के डब्बे लाकर इसे पैक कर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम लगातार चलाते हुए बनाएंगे। ये जो चलाते हुए हमारे जो मलाई कढ़ाई के साइड में लग जा रहे हैं, इसे भी हम खुरेच कर अंदर की तरफ करते जाएंगे। हमारा मावा गाढ़ा हो चला है और हमें इस स्टेज पे बराबर ही चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे सट जाएंगे। ये देखिए अब हमारा ये मावा हो आया है और ये अब कढ़ाही छोड़ने लगा है। कढ़ाही में चारों तरफ हमें घी ही घी नज़र आ रहे हैं। तो अब ये हमारा मावा हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। इसे बनाने में हमें पूरे 1 घंटे लग गए। तो ये हमारा मावा तैयार हो गया। चलिए अब इसे हम निकाल देते हैं।